से मैं बना रही हूँ। ज्वार का सत्तू हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, गर्मियों में तो ये वरदान है। ज्वार का सत्तू हम एक कड़छी ले लेंगे, एक कड़छी भर के ले लिया है। एक कड़छी मैंने ज्वार का सत्तू लिया है और एक कड़छी ही हम शुगर जो मैंने पीस के रखी हुई है वो ले लेंगे। एक कड़छी ले लेंगे और इसको पानी में अच्छे से ठंडे पानी में इसको अच्छे से फैट लेना है। आप चाहे तो चीनी पहले भी छान के रख सकते हैं। फैट लेना फ्रेंड्स, ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठंडक रहती है। कई बार छोटे बच्चों को पोटी आ जाती है फर्स्ट वाली, वो भी इससे ठीक हो जाती है, पेट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं। फ्रेंड्स ज्वार के जो हमारा ये आटा है सत्तू है, ये ज्वार का सत्तू होता है, ये बहुत ही हमारे पेट को बहुत ही ठंडक पहुँचाता है। छोटे बच्चों को कभी पोटी लग जाती है, जब फर्स्ट वाली पोटी आ जाती है ना, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हमारे पेट की गैस है उसको भी ख़त्म करता है, गर्मी को शांत कर देता है, पाचन शक्ति इससे हमारी दुरुस्त हो जाती है। जैसे हम रेगुलर इसको गर्मी में पीते तो हमें लू भी नहीं लगती और हमारा कलर भी फेयर रहता है। इसके ज्वार से, ज्वार का आटे का सत्तू लेने से कलर भी फेयर हो जाता है, स्किन में जो हमारे पानी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसको डेली लें फ्रेंड्स, इसका एक ही लूले से इसको आधा घंटा भिगो के रखना पड़ता है फ्रेंड्स, इसको आधा घंटा भिगो के रखना पड़ता है पानी के अंदर ताकि ये फूल जाए। फूल जाता है जब, तो फिर इसको फिर से अच्छे से ठंडा कर लें, ठंडा करके पी लें। इसको आधा घंटा भिगो के जरूर रखें। कोई भी सत्तू ले, चाहे आप बेसन का सत्तू लेते हैं ना जो हमें मिलता है, भुने चने का सत्तू वो भी इसी तरह बनाते हैं, और ज्वार का सत्तू भी इसी तरह बनाते हैं। कोई भी सत्तू हमें उसको आधा घंटा भिगो के रख लेना चाहिए और फिर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा सत्तू तैयार हो चुका है। ये जो सत्तू मैंने बनाया था ज्वार का, आधा घंटा भिगोने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये आधा घंटा मैंने भिगो के रखा है, अब ये बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। आधे घंटे बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इस तरह से आप पिए, इंजॉय करें। थैंक यू। इस तरह से आप बनाए अपनों को पीना है। थैंक यू।